बाहर में सुन रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होना है। स्थानीय निकाय कोटे से जनप्रतिनिधि चुने जाने हैं। ऐसे में नामांकन की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, अधिसूचना जारी हो चुकी है। 4 अप्रैल को वोटिंग होनी है और 7 अप्रैल को मतगणना होनी है। ऐसे में गया जहानाबाद सीट से NDA की प्रत्याशी मनोरमा देवी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको अब दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें गया से निकल के आ रही हैं, जहाँ पर मनोरमा देवी ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन पर्चा दाखिल किया। आपको बता दें, मनोरमा देवी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, पहले भी JDU के MLC रही हैं और अब फिर से एक बार चुनावी मैदान में है। तस्वीरें जो तमाम निकल के आ रही हैं आपको दिखा रहे हैं। जिला परिषद उपाध्यक्ष शीतल प्रसाद यादव सहित कई NDA कार्यकर्ता इस नामांकन में उनके साथ मौजूद दिखे। सब ने उन्हें माला पहनाया, हार पहनाया है। और एक बार फिर से मनोरमा देवी, जो कि स्वर्गीय बिंदेश्वरी प्रसाद यादव उर्फ बिंदी यादव की धर्मपत्नी है, बिंदी यादव भी जिला परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर हम गया जिले की बात कर रहे हैं तो बड़े नेता रहे थे, लेकिन कोरोना काल के दौरान उनका निधन हो गया। ऐसे में बिंदी यादव की पत्नी अब फिर से चुनावी मैदान में। एक बार फिर से NDA ने भरोसा जताया है, JDU ने टिकट दिया है और NDA की उम्मीदवार है मनोरमा देवी। क्या कुछ वो कह रही थी, जरा सुनिए। मैं सबको आभार व्यक्त करती हूँ, तो आज मेरा नामांकन हुआ है और हम अपने सरकार को, जो NDA का सरकार हमारा देश में और राज्य में चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को, मैं सब लोगों को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि हम मेरे जैसे महिला, बैकवर्ड समाज की महिला को उन्होंने टिकट दे के एक मिसाइल कायम किया है। और तीनों जिला से लोग मेरे आज आ रहे हैं, मैं सबको स्वागत करती हूँ और सबको बधाई देती हूँ कि आप लोग आएँ और हमारा नामांकन में शामिल होकर हमारा हौसला बढ़ाएं। हम लोग यही सोच के आगे बढ़ेंगे और आने वाला जो समय है वो हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और आने वाला समय में हम लोग चुनाव जीतेंगे। पत्रकार भाई, फिर आप लोग से मिलेंगे। बहुत बहुत चुनावी मैदान में है, क्या मुद्दे लेकर के आ पाए? चुनाव मैदान में हम तो पिछले बार से पत्रकार भाई मैं रही हूँ, मैं मुझे सभी चीज़ों को मालूम है। सबसे पहले तो मैं मान सम्मान देती हूँ आदमी को, मान सम्मान में सबसे आगे जो भी काम रहता है, जो भी तरह का काम है उसके लिए मैं तैयार रहती हूँ रात दिन, मैं जनता की सेवा में तत्पर। विधान परिषद हमारी बड़ी भाभी मनोरमा जी NDA गठबंधन से आज पर्चा दाखिल किए। मैं NDA गठबंधन के माननीय नेता हमारे नीतीश कुमार जी, माननीय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी, माननीय बिहार सरकार के मंत्री और त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि पंचायत से जो जीत करके आए हैं, माननीय जिला परिषद, पंचायत समिति, माननीय मुखिया, माननीय वार्ड सदस्य, माननीय पंचायत समिति, सभी को मैं अपनी ओर से या मनोरमा देवी की ओर से ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूँ। तो मनोरमा देवी ने नामांकन दाखिल करने के बाद क्या कुछ कहा है, आपने तमाम बातों को सुना है। देखना यह है कि अब चुनावी अखाड़े में कूद चुकी हैं मनोरमा देवी और सामने में टक्कर RJD से होनी है, तो ऐसे में कितने हद तक अब मजबूती दिखेगी। क्योंकि देखिए, अब वोटरों को गोलबंद करना होता है और जैसा कि उन्होंने अपने संबोधन में भी कहा, उन्होंने जो कहा हमने आपको सुना, उन्होंने कहा कि हम सबको मान सम्मान देते हैं, शुरू से ही मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं रहती है और NDA की सरकार ने उन पर भरोसा जताया है। तो देखना यह है कि इस मुकाबले में मनोरमा देवी क्या एक बार फिर से जीत हासिल कर पाती हैं, क्योंकि पिछले दफ़ा मनोरमा देवी जीत गई थी, वो JDU के MLC भी रही हैं। हालांकि अब इस बार जब 24 सीटों पर चुनाव हो रहा है तो तमाम NDA के नेता भी अब अखाड़े में कूद चुके हैं। नॉमिनेशंस की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, नामांकन दाखिल कर लिया गया है, उसके बाद जो सभा होगी उसकी भी तस्वीरें हम आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।